रिश्ता देखने के लिए निकले घर से सदका देकर जाए किसी अहम काम के लिए घर से निकले सदका देकर पेपर देने के लिए घर से 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 सदका सदका देकर और अपने अपने माल माल में में चाहे वो सदका दस रुपए हो चाहे वो सदका पचास रुपए हो चाहे वो दो रुपए हो चाहे वो कोई खाने की चीज हो कोई अहम काम करने के लिए निकले सदका करके जाए ये नहीं कि अच्छा मेरा काम हो गया तो अल्लाह जी मैं पांच सौ रुपया बांटूंगी नहीं पहले अल्लाह के सदका दें फिर काम करने जाएं फिर देखें क्या होता है बिल्कुल यानी बनी इसराइल में एक आदमी था हदीस आती है कि बनी इसराइल में एक आदमी था रसूल फरमाया कि बनी इसराइल में एक आदमी था तो वो गुजर रहा था कहीं से तो उसने आवाज सुनी कि कोई ऊपर से आवाज सुनी कि बादलों को कह रहा है जल्दी जल्दी चलो फुला के खेत पे बाद, बाद को पानी देना वो बड़ा हैरान हुआ वो बादलों के पीछे पीछे चल पड़ा एक जगह पे बादलों ने पानी बरसाया तो वो उस बाग के खेत के मालिक से जाकर मिला वो कहने लगा कि अल्लाह के बंदे आप कौन है क्या है आपके लिए मैंने ये बात सुनी तो मैं बड़ा हैरान हूं कि इतना है तमाम आपके खेत के लिए तो वो कहने लगा कि मेरे पास ऐसा कोई अमल नहीं है हाँ ये है कि मैं जब अपनी फसल काटता हूं तो तीन हिस्से करता हूं एक मैं वापस खेत में लगा देता हूं एक मैं अल्लाह के नाम में बांट देता हूं और एक मैं अपने घर के खर्चे के लिए रखता हूं जितना भी मान लो इसका मतलब पता है क्या है कि अगर वो तीन करोड़ कमाता था तो वो एक करोड़ अल्लाह के नाम में दे देता अगर वो तीन लाख कमाता था तो एक लाख अल्लाह के नाम में दे देता था अगर तीन <सद्वासभी> हजार कमाता था तो एक हजार अल्लाह नाम में दे देता तो अल्लाह को जितना उससे उस साल अपने बंदों को दिलवाना होता था अल्लाह फिर दो तीन उसकी फसल करवा देते ठीक है ना हम लोग जो ये तरीके बनाए ना मन्नत मान लो क्यों मन्नत मान लो पहले दो फिर काम के लिए निकलो बहुत अच्छी बात आपने की जॉब के इंटरव्यू के लिए जाए ना सदका देकर जाए <laughs> देकर जाए हर अहम काम के लिए पहले सदका दें फिर काम बढ़ाएं जब आप कोई भी अहम काम खासतौर पर बच्चियों की शादी प्लान करें उसके हर स्टेप के लिए बच्ची या बच्चा बच्ची मैं वैसे कह रही बच्चा भी शादी सबसे अहम मामला होता है ना हर कदम के ऊपर सदके का रेशियो साथ रखें इतने परसेंट में सदका करूंगी फिर इंशाल्लाह देखें अल्लाह कामों में खैर डाल देगा सदका अल्लाह से बहुत करीब करता है और सदका बहुत ज्यादा आसानियां लेकर आता ठीक है तो सदके को जिंदगी का हिस्सा बना ले अगर आप पैसा सदका नहीं कर सकते आप खाना सदका करें खाना सदका करें आप देगे बनवा रहे हैं ना खाने पे, आप कह रहे मैंने दस देगे बनवा आप बारह बनवा लें आप दो देगे सदका बचा हुआ बांटना सदका नहीं है वो तो बचा हुआ वो तो आपने बांटना ही है स्पेशल सदका स्पेशली करें उसके लिए खसूसियत के साथ आप सदकात करें और फिर आप देखें कैसे आपके मसाइल हल होते ठीक है अल्लाह के बंदों पर दे और फिर देखे पलट पलट कर आता है और फिर काम भी सीधे होते हैं सिर्फ ये नहीं कि पैसा आता है मसाइल हल हो जाता है मसाइल हल हो जाते पता है इसमें लतीफ़ बात ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की एक ज़रूरत पूरी करेगा अल्लाह उसकी सौ जरूरतें पूरी करेंगी तीस दुनिया की सत्तर आखरत की तो जब आप सदका करते हैं तो किसी की जरूरत पूरी होती है ना तो फिर अल्लाह आपकी जरूरत पूरी नहीं करेंगे अल्लाह एक नहीं तीस करेंगे तो ये कैसे हो सकता है फिर फिर आपकी जरूरत पूरी फिर वो जरूरत पूरी पूरी ना हो अल्लाह अल्लाह वो कर दे। ये, ये के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा कर दिया और अल्लाह अपने अंबिया के वादे को सच करते और अंबिया वादा ही वो करते हैं जो उनको कहा गया होता और फिर ये आखिरत में भी काम आए ठीक है सदका आदत बना ले वसत वाला है अलीम जानने वाला है अल्लाह बहुत वसत वाला है जानने वाला है वसी का ये मुबालगा है वासे और आलिम का मुबालगा अलीम अल्लाह बहुत वसत वाला है बहुत इल्म वाला है दो बातें पहली बात यह है कि अल्लाह के पास बहुत वसत पैसे में इल्म में औलाद में कूमत में अल्लाह के पास देने के बेशुमार तरीके और जराए हैं लेकिन अल्लाह इल्म भी रखता है अल्लाह जानता है इसको दिया भी जाए कि ना दिया जाए है ना वो मुहावरे बने हुए ना खुदा गंजे को नाखुन ना दे है ना बंदर के हाथ में माचिस क्या होता है? है बंदर हाँ जी बिल्कुल बंदर जो है जंगल ही जला देता है ना अहल के पास कोई चीज आ जाना तो फिर अल्लाह इल्म वाला भी है अल्लाह जानता है इसको ये चीज दू ये इसका अहल है कि नहीं है हम एक छोटी सी चीज लेते हुए सोचते हैं एक खिलौना लेते हुए हम डिस्कस करते हैं ना कि अच्छा ये बच्चा इस उम्र का है इसको तो सेंसी नहीं होगी लोग तुम क्या ग्यारह सौ का पंद्रह सो का ये अः डॉल्स हाउस लेने लगी है वो तो छोटा बच्चा है या बच्ची है वो तोड़ देगी करते हैं ना हम डिस्कस नहीं नहीं अभी ये सौ रुपए वाला ले लो ये दो सौ वाला ले लो तो हमें तो अपने हजार बारह सौ कितनी हो और अब अपनी कायनात की अजीम चीजें देते हुए ना सोचे कि अहल भी है कि नहीं कोई काबिल हो तो भाँगा। भाँगा। कोई।, भाँगा। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं कई क्या है कई जो है एक खानदान है कयानी कयानी खानदान का मुख्तसर नाम है कयानी जो है वो बादशाहों की एक नस्ल रही रॉयल फैमिली रही तो उसको मुख्त कयानी जिसको उर्दू में हम कहते हैं फारसी में इसके लिए कई का लफ्ज इस्तेमाल होता है ठीक है ये कई खानदान के बादशाहों जैसी शौकत कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते और ये हुआ अब देखिए कि मुझे इस जब भी मैं शेर पढ़ती हूँ मुझे अब्दरहमान अव्वल याद आ जाते हैं अब्दुलरहमान अव्वल मुआविया खानदान से थे यानी कि बनु उमैया से थे तो जब बनू अब्बास ने बगदाद पर कब्जा किया तो बनु उमैया वाले अक्सर मारे मुरे गए बाघ गुग गए तो जो थे, ये अपने 800 लोगों के साथ सिर्फ 800 लोग थे उनको लेकर ये उंदलस चले गए और उंदलस आपको पता है मुसलमानों के जेरे चुका था इन्होंने उंदलस की हुकूमत पर कब्जा कर लिया सिर्फ 800 लोगों के साथ उंदलस पर कब्जा कर लिया और फिर उंदलस जो है बगदाद के टक्कर की रियासत बनी हुकूमत बनी बगदाद अब्बास के जेरे इकतदार चला और उन्दलस जो है बनो उमैया और आठ सौ साल तक उनकी हुकूमत रही और वो उंदलस के उरूज का दौर था फिर वो जो है हार गए वक्त के साथ साजिशें हुई बहुत कुछ हुआ पूरा तवील किस्सा <laughs> है तो फिर जब वो ईसाइयों के हाथों हार गए और उन्होंने खाली कर दिया उन्दलस को तो वो स्पेन बना और स्पेन फिर आपको पता है गरीब ममालिक तो उसके बारे में जो है मखीन कहते हैं ये एक हीरा था जिसे मुसलमानों ने चमकाया और मुसलमानों के जाने के बाद वो फिर मिट्टी में मिल गया और हकीकता ऐसा ही हुआ तो आप देखिए कि उसमें हिम्मत थी ना अब्दुलरहमान में तो अल्लाह ने फिर उंदलस जैसी सरजमी उनको दी और उन्होंने वाकई उंदलस जो है दुनिया का एक अजीम मुल्क बनाया उन्होंने उसको और करतबा के कस्से जो हैं और जो तली तला करतबा की यूनिवर्सिटियों का लेवल है वो तारीख की एक हैरत अंगेज बात है और अब्बासी बड़ी हुकूमत के मालिक थे उंदलस छोटा इलाका है मगर अब्बासी हमेशा रंज करते थे कि उंदलस हाथ से निकल गया क्योंकि उसको उमवी लोगों ने बेहतरीन हुकूमत बनाया दुनिया की और उंदलस असल में आप देखिए कि मगरिब का हिस्सा है एक तरह लेकिन उन्होंने उसको जो है बेहतरीन हुकूमत में तब्दील किया तो जिसमें हिम्मत हो फिर अल्लाह रस्ते भी खोल देते तो ये एक छोटी सी मिसाल है उसकी अल्लाह रब करीम का फजल बहुत ज्यादा है अल्लाह के पास किसी चीज की कमी नहीं है मगर अल्लाह सलाहियत जानते हैं और उसको आजमाते हैं तो फिर ही किसी को अदा करते हैं ठीक है या वो खास कर लेता है ये किसका सीगा है माजी या मुजारे कैसे पता चला इसके पहले में या की पे पेश की जी शुरू में या है या पर जबर है और उसका जो कलिमा फा है खा। वो साकिन है खे स्वाद स्वाद होता ना तो पहला कलिमा इसका कलिमा फा क्या है ख तो खा पर क्या है सुकून जज्म यख, और आखिरी कलिमा कलिमा लाम क्या है सौद, उस पर क्या है पेश तो ये दो चीजें क्या बता रही हैं ये मुजारे है मुजारे का सिंगुलर है गायब है वाहिद है मुजक्कर है यख तसू वो खास कर लेता है चुन लेता है विराहमति ही अपनी रहमत के साथ ये बी ने रहमत को भी जेर दे दी और ही को भी जेर जेर दी हु था ना ही कर दिया विराहमती ही साथ अपनी रहमत से मन जिसे यशाओ वो चाहता है वो जिसे चाहता है अपनी राहमत के लिए चुन लेता है राहमत किस पर भेजनी है कितनी और कौन सी भेजनी है वो फैसला कर लेता है वो खास कर लेता है फिर वो रहमतें भेजता है तो अंधाधुंध इंतखाब नहीं होता पहले ही बता दिया वो इलम वाला है इल्म के बिना पर इंतखाब होता है। इल्म के बिना पर चुना जाता, वल्लाहु फ़ज़ल अज़ीम बहुत ही फजल वाला है जू का मतलब होता है खुद डबल ज्यादा फिर अलफल और अजीम फजल के आगे भी ज्यादा और पीछे भी ज्यादा आगे जल अजीम मकसद क्या है डबल आने का बात को बयान करने में जोर पैदा करना शिद्दत इजहार बेहद ज्यादा है बेतहाजल उसका फजल अजीम बहुत ज्यादा पहले ही फजल अजीम है फिर बहुत ज्यादा उसके फजल की कोई कमी नहीं तुम फजल के मुस्तक बनो इस काबिल बनो कि अल्लाह तुम पर इनायतें उतारे फिर देखो इनायतें तो आएंगी आएंगी वो तो देना चाहता है वो तो देने वाला है उसको देना पसंद है वो वहाब है वो जवाद है हम इस काबिल नहीं है कि हमें कुछ दिया जाए तो अपने आप को बेहतर करें हुँ? उसके दर से तो सब कुछ मिलेगा मगर अपना किरदार भी देखना चाहिए तो हम चाहते तो सभी हैं चाहते सब है कि हो ओ जैसो रैया पर मुकिन पहले पैदा तो करे वैसा कोई कलब सलीम तो सभी का दिल चाहता है कि दौलत भी मिल जाए औलाद भी मिल जाए रुतबे भी मिल जाए लेकिन कुछ हमारे अंदर लेने वाली सलाहियत है तो वो औलाद लेंगे तो उसको हम बिगाड़ देते हैं मुसलमान नहीं बना पाते माल मिलता है तो उसे हम गलत जगहों पर जाया कर देते हैं और मिलते हैं तो हम अपने फराइजी पूरे नहीं करते पूरी मुस्लिम दुनिया का यही हाल है और पाकिस्तान का खसूसियत से तो फिर इस सारी हालत में अल्लाह रब करीम अगर से बहुत अजीम फजल के मालिक हैं मगर अल्लाह देते हैं देख कर अपने इल्म के जरिए जांच कर ठीक है में है, मन जो इन अगर तामन हु, तुम अमानत दो इनको तामन तुम अमानत दो मीम नून इसकी रूट है।, इसी से बनता है इसी से अमानत बनता है और तामन तामना तू दे जमीर इन तामन हु अगर तुम ईमानत दो बिकिन तारिन खजाना खनतरा से है पीछे भी आपने पढ़ा है ना पसंदीदा बना दिए गए तुम्हारे लिए सोने चांदी के ढेर आल फिर वल कना तिर मुकंतरा तो कना तीर में मैंने अर्ज किया था कि काफ नून तोए और रे कंतर कहते हैं बहुत ज्यादा माल को सौ किलो वजन को भी कंतरा कहते हैं क्योंकि वो दूर से नजर आता है ना कंथरा असल में कहते हैं दूर से नजर आने वाली चीज को पुल वगैरह को भी कंतरा कह देते हैं जो दूर से नजर आए तो ढेर सारा माल दूर से नजर आएगा ना एक आध अगर बाली पड़ी है तो नहीं मिलेगी और अगर पूरा ऐसे एक किलो सो, किलो सोना पड़ा हो एक किलो जेवर पड़ा हो सोने का तो वो तो दूर से नजर आएगा है ना तो ढेर और ढेर यहां पर भी अल्लाह रब्बे करीम ने कहा बिकिंता ढेर और माल मतलब है खजाना तो खजाने के लिए इस्तेमाल होता है यू वो अदा कर देगा अदा से ही है इलेका तेरी तरफ उनमें है मन जो इन अगर ता मन हूं तू दे उनको भी एक दीनार सोने का एक सिक्का दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं एक सिक्का ला नहीं यू अद्दी ही वो अदा करेगा उसको इले का तुझे इल्ला मगर मादुमता दुमता तू सवार रहे मा दुमता तू सवार हो जाए अलई ही उस पर कायमन खड़ा होकर पहले किताब में ऐसे ईमानदार अफराद मौजूद हैं कि अगर तुम उनके पास खजाना अमानत के तौर पर रखवा दो वो तुम्हें वापस कर देंगे और ऐसे बेईमान अफराद मौजूद हैं कि एक सोने का सिक्का दे दो तो जब तक तुम उनके सर पर मुसलत ना हो जाओ तुम्हें वापस नहीं करेंगे ठीक है कि सबका हाल एक जैसा नहीं है एक तरफ बददियानत अफराद है एक तरफ दयानतदार अफराद है बदद्यानत अफराद का हाल ये है कि एक एक रुपये के पीछे बदयानती करते हैं और ऐसे दयानतदार भी हैं कि खजाना भी दे दो तो वापस करते हैं। तो देखिए जो दयानतदार है ईमान की दयानत भी वही अदा करेगा लिहाजा एक तरफ अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे लोग थे अब्दुल जो है ये काबुल अहबार जैसे अफराद थे जो फौरन मुसलमान हो गए उनके कबीलों ने छोड़ दिया खानदानों ने छोड़ दिया उन्होंने माइंड नहीं किया मुसलमान तो हो गए फौरन गवाही थी और दूसरी तरफ हाई बिनुख्त जैसे लोग थे जिन्होंने पूरी आखिर हद तक बदयानती की तो यही अल्लाह बयान कर रहे हैं कि इनकी हालत पर कयास मत करो उनमें चंद लोग तो ईमानदार हैं वो अमानत अदा करेंगे और गवाही देंगे मगर उनकी अक्सरियत बदयानत लोगों की है वो अमानत अदा नहीं करेंगे लिहाजा जो एक एक पैसे के पीछे बिक जाने वाले हों अपने ईमान बेच देने वाले हों वो भला दीन को कैसे नहीं बेचेंगे ठीक है ये मफहूम है समझ आया हमारा भी यही हाल है ना एक तरफ हमारे ऐसे ऐसे माशाला उलामा है आज इस वक्त ऐसे ऐसे उलामा है कि सर धड़की बाजी लगाए हुए हैं और दूसरी तरफ वो भी उलामा है कि है उलामा मगर अपनी नौकरी और अपनी जो है वो चैनल्स की डेटिंग के लिए धड़ाधड़ झूठ बोल रहे हैं हर तरह के लोग हैं जाली ये भी अनुहुम इसलिए है ये फर्क इसलिए है ये बद इसलिए है कालू वो कहते हैं नहीं हम पर फिल उम्मीना अनपढ़ लोगों के बारे में सबील रास्ता उनका ये रवैया इसलिए है कि वो कहते हैं कि अनपढ़ों के बारे में हमसे पूछ नहीं पूछ गुछ नहीं होगी हमसे सवाल नहीं होगा अनपढ़ से मुराद अहले अरब जिन पर किताब नहीं आई उम्मी ये अरबों को अपने मुकाबले में कहते थे ईसाई और यहूदी इसलिए नहीं कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे इसलिए क्यों कहते थे हम अहले किताब हैं हम पर किताब आई इनके पर कोई किताब नहीं आई और वाकई नहीं आई थी तो अरबों पर कोई किताब नहीं है ये उम्मी है हम अहले किताब है ये उम्मी है ठीक है तो रसुल अक्रम अलैहि वसल्लम के आने के बाद भी इन लोगों ने झूठ बोला ना मुसलसल झूठ बोला अल्लाह कहते हैं कि उन लोगों का रवैया जो है ना अरबों के साथ झूठ बोलने का धोखा देने का फ्रॉड करने का मौली मामला में भी अब दीन में भी कर रहे हैं उस रवैये की असल बुनियाद ये है कि ये अपनी जुबान से ये बात कहते हैं और ये यानी अकीदा रखते हैं कि अरबों के साथ हमने कोई धोखादही की तो हम पर सवाल नहीं होगा यहूद कहते थे कि हम यहूद के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते अगर हम गैर यहूद के साथ कोई फ्रॉड करते हैं ना तो उस पर हमसे कुछ कुछ नहीं होगी यही अल्लाह कह रहे हैं कि इन्होंने ये कहानी बना रखी है नहीं नही कि हम अरबों के साथ फ्रॉड करते हैं ये माल में भी, भी बहुत फ्रॉड करते थे ये लोग आपको पता है ना सूद का कारोबार चलाते थे तो सूद का कारोबार तो है ही सारा फ्रॉड के ऊपर बेस करता है वैसे भी झूठ बहुत बोलते थे अरब जो थे ना जाहलीत के जमाने में भी झूठे नहीं थे बुजदिल नहीं थे धोखेबाज नहीं थे वादे पूरे करते थे बहुत खूबियां थी उनमें बहुत खूबियां थी बहादुर थे सच्चे थे जिस बात को सच समझ देते थे उसके लिए जान की बाजी लगा देते थे अरबों में ये खूबियां थी यहूद में नहीं थी किसी दौर में नहीं थी इसी वजह से वो इस तरह की बातें घरते थे चालबाज मकार थे। और अरब नहीं थे अरबों में चालबाजी नहीं थी इसीलिए अल्लाह रब्बे करीम ने कहा कि ये अरबों के साथ फ्रॉड करते हैं दुनिया के मामले में भी एक एक पैसे के पीछे तो दीन के मामले में भी धोखे में डाल रहा है ने और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब रसूल अलैहि वसल्लम आए ना तो अरब लोग बार बार यहूद से रुजू करते थे कि हम इस नबी के लिए क्या करें इसको माने के ना माने हत्या आपको पता है मक्का वालों ने भी भेजा था भेजा था ना सूरह काफ जो उतरी तो मक्का वालों ने वफ़ भेजा था ना कि हमें बताओ आप हम इसको क्या जवाब दें तो उन्होंने तीन सवाल सिखाए थे उन्हीं के जवाब में उतरी थी और सूरह यूसुफ भी फिर उन्होंने एक और मौके पर भेजा कि जाओ पूछो कुछ और हमें बताएं जिसके जरिए हम लाजवाब कर दे मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनका अच्छा यूसुफ के बारे में पूछो ये क्या बताता है क्योंकि यूसुफ के बारे में अहले अरब कुछ नहीं जानते थे यूसुफ अलैहि सलाम के बारे में तो ये यानी यहूद से इवन के कुफार तक ने हेल्प चाही तो अरबों में जहां भी पैगाम पहुंचता था ना रजूल का वो आके यहूदियों से पूछते थे वो यहूदियों को अच्छा समझते थे ईसाइयों से नफरत करते थे क्यों काबे पर दो दफा हमले हुए हैं तारीख में और दो, दो दफा ईसाइयों ने किया इससे ईसाइयों से नफरत करते थे ईसाइयों से नफरत करते थे और यहूद को अपना सगा मानते थे एक तो वैसे भी वो रिश्तेदार थे और आपको पता है कि अरबों में कबाइल का बहुत जोर था तो यहूदियों को अपना रिश्तेदार समझते और मानते थे और दूसरा अहले किताब दोनों को मानते थे यहूदियों ईसाइयों को मगर यहूदियों से तो नफरत थी तो फिर क्लोज किसके हो गए ईसाइयों के सॉरी थो, ईसाइयों से नफरत थी तो क्लोज किसके हो गए यहूदियों के तो जब कोई दीनी मसला आता था तो यहूद से मदद चाहते थे इसीलिए यहूदियों के पास जा जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फतवे मांगते थे राय मांगते थे तो ये फिर उनसे झूठ बोलते थे तो अल्लाह ने कहा कि इनकी का हाल तो यह है कि एक एक दिनार के पीछे झूठ बोलते के मामले भी तुमसे झूठ बोल रहे हैं तो क्यों करते तुम्हारे तो साथ इतना फ्रॉड इसलिए कि इनका मानना यह है कि अगर हम गैर यहूद के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो हमसे सवाल नहीं होगा क्या के दिन पूछा नहीं जाएगा है ऐसा हमारे यहां वैसे सोच ऐसी पाई जाती है पाई जाती है शाहब लिखते हैं ना कि उनकी कहीं पर पोस्टिंग हुई तो वहा जो सरकारी रहायश थी वहां का जो देख रेख करने वाला था तो वो सप्लायर था लड़कियों का तो वो इनको भी ऑफर करने लगा कि अगर कोई लड़की शड़की चाहिए हो तो मुझे बताना तो कहने लगा कि मैंने बड़े गुनाह किए हैं साहब बड़े गुनाह किए पहले मैं लड़कियां बेचता था अब मैंने दोबा कर लिया अब मैं कोई मुसलमान लड़की नहीं बेचता सिर्फ हिंदू लड़कियां बेचता देखिए पता क्या है जहन बने हुए हैं इन्ना है गुनाह गुनाह गुना किसी के भी हक में किया गया रसूल ने फरमाया, अगर एक सींगदार बकरी ने गैर सींगदार बकरी को मारा है ना तो उसका भी फैसला में समझाने के लिए है बकरियों का तो हिसाब नहीं होना उनको तो अल्लाह ने हिसाब किताब नहीं माफ जानवरों को रखा हुआ लेकिन आप सबल ने बताई इसी तरह एक और हदीस में आता है आपने कहा अल्लाह हर चीज का हिसाब लेंगे यहां तक कि अगर किसी ने किसी की जू के अंडे बराबर चीज उठाई है ना तो उसका भी हिसाब होगा जू का अंडा क्या होता है लीख जिसे हम लीख कहते हैं कि लीख के बराबर चीज है ना उसका भी हिसाब फिर अल्लाह लेंगे और वो किसी की भी हो इसमें दिनों मजहब की कोई बात नहीं है बहसियत इंसान हमारे हकूक है एक दूसरे के ठीक है